बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो हम चैप्टर पैट्रियटिज़म की एक्सरसाइज कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर, और आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस, मदरलैंड, नेशनलिज्म एंड रिस्पॉन्सिबल। मदरलैंड मीन्स वंस नेटिव कंट्री, मादर वतन या जाए पैदाइश। अगर हम देखें तो हमारा पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल है, और फादर ऑफ द नेशन कायद अजम है। मोटो पाकिस्तान का ईमान, इतिहाद और नज़्म, नेशनल पोइट अलामा इकबाल हैं, और मदर ऑफ द नेशन मोहतरमा फातिमा जना जो कायद अजम की बहन है। नेशनल थिंग्स ऑफ पाकिस्तान, हमारा नेशनल फ्लैग ग्रीन और वाइट है। नेशनल गेम हॉकी है। नेशनल मॉस्क फैसल मॉस्क है, और नेशनल बर्ड चकोर है। नेशनल ट्री देवदार है। नेशनल फ्रूट मैंगो है। नेशनल ड्रेस कमीज़ शलवार है। नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, और नेशनल रिवर इंडस है। नेशनल फ्लावर जैस्मिन है, और ये हमारा मोटो है। नेशनल एनिमल इज़ मॉरफोर। और इसके अलावा पाकिस्तान जो है 7th लार्जेस्ट पूल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड, सातवां बड़ा मुल्क है जहाँ पे इंजीनियर और साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा हैं। मुग़ल अम्पायर की बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा लैंड ऑफ ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। फिर प्राउड ऑफ पाकिस्तान अली मोइन नवाजिश, जिसने ओ लेवल में रिकॉर्ड कायम किया। बाबर इकबाल, अरफा करीम और अयान कुरैशी। इसके अलावा अब्दुस्सत्तार ईदी ने दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट वॉलंटियर एम्बुलेंस सर्विस कायम की। पाकिस्तान मदर ट्रीसा डॉक्टर रूथ जो कि फौत हो गया, जिन्होंने लेप्रसी के ख़िलाफ़ काम किया। और डॉक्टर प्राउड ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुस्सलाम, नोबल प्राइज़ विनर इन फिज़िक्स। मलाला यूसुफ ज़ैनबी जो है यंगेस्ट नोबल प्राइज़ विनर 2014। इसके अलावा लैंड्स ऑफ हाई पीक्स है पाकिस्तान। दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियां पाकिस्तान में हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में द ओल्डेस्ट सेकंड लार्जेस्ट साल्ट माइन इन द वर्ल्ड, जो कि खेड़ा ज़िला झेलम सूबा पंजाब में वाक़िया है, और यहां से दुनिया का बेहतरीन नमक निकाला जाता है। टोम जना कराची पाकिस्तान, कायद अजम का मकबरा कराची में है। इसके अलावा खूबसूरत तरीन पाकिस्तान की जगह हैं, जैसे स्वात कलाम केपी के पाकिस्तान में है। कराक्रम हाईवे जो है हाईएस्ट पेव्ड रोड इन द वर्ल्ड। इसके अलावा ये लॉयंस फेस वैली बलूचिस्तान, यहाँ पे पत्थर ऐसे हैं जैसे शेर का मुंह होता है, चोट पहाड़ियाँ। ये कायद अजम की रेजिडेंसी है, ज़्यारत जहाँ में कायद अजम ने ज़िंदगी के आखिरी याम गुजारे। नेशनल डीप सी पोर्ट गवादर बलूचिस्तान में वाक़िया है। स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की नेशनल गेम हॉकी है, लेकिन पाकिस्तान ने 2009 में वर्ल्ड कप जीता था। पाकिस्तान फर्स्ट इस्लामिक एटॉमिक पावर है, और 7th न्यूक्लियर पावर इन वर्ल्ड। नेशनलिज्म का मीन मतलब है कौम परस्ती, आइडेंटिफिकेशन विद वंस ओन नेशन एंड सपोर्ट फॉर इट्स इंटरेस्ट, अपनी कौम के मफादात की हिफाजत करना। कायद अजम मोहम्मद अली जनाह बाबा कौम का कहना है, आखिर ये कहने का क्या फ़ायदा है कि हम सिंधी या पठान या पंजाबी हैं, नहीं, हम सब मुसलमान हैं, इस्लाम ने हमें यही सिखाया है। हमें इस वसत नज़र की ज़रूरत है जो सूबा परस्ती, कौम परस्ती, नस्ल परस्ती और फ़िरका परस्ती से मावरा हो। हमें अपने अंदर ऐसी हुब्बुल वतनी पैदा करनी है जो हमें एक मुतहिद और मज़बूत कौम बनाकर हमें ज़िंदगी की लहर दौड़ा दे। अगर आप देखें तो पाकिस्तान न्यूरोलॉजी में मीनिंग ऑफ 786 इज़ बिस्मिल्ला। फिर पाकिस्तान का कोड जो है वो 92 है, विच मीन्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद ये है कि पाकिस्तान का मतलब अरेबिक में बनता है मदीना तैयबा, पाक लोगों के रहने की जगह। पहला कलमा तैयब है। रिमेंबर्ड
इन पाकिस्तान विल एवर लिव। तो नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल हैविंग एन ऑब्लिगेशन टू डू समथिंग, जिम्मेदार। आप स्टूडेंट हैं, आपकी ऑब्लिगेशन है पढ़ना पढ़ना पढ़ना। द रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग कंट्री इज ह्यूज। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। द रोल ऑफ स्टूडेंट इज़ लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ नेशन। चेंज द फ्यूचर स्टार्ट टुडे। अगर आप कल तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए आज से काम शुरू करें। कायदेजम का फरमान है, इल्म तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाएं, कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। इल्म हासिल करें दिलो जान से, फिर आप तालीम पर पूरा ध्यान दें, अपने आप को अमल के लिए तैयार करें। आपका पहला फरीज़ा है कि आपकी तालीम का एक हिस्सा ये भी है कि आप दौरे हाज़र की सियासत का मुतालिया करें, ये देखें कि आपके किस दुनिया में क्या हो रहा है। हमारी कौम के लिए तालीम मौत और ज़िंदगी का मसला है। कायद अजम ने कहा, वी कैन गेट सक्सेस ओनली बाय थ्री थिंग्स, दीज आर वर्क वर्क वर्क। अब ये पहला जुमला है, पाकिस्तान इज़ आवर मदरलैंड। दूसरा जुमला है नेशनलिज्म पे, वी डोंट बिलीव इन नेशनलिज्म बट इस्लामिक ब्रदरहुड। हम कौम परस्ती पे यकीन नहीं रखते, हम इस्लामिक भाईचारे पे यकीन रखते हैं। और थर्ड जुमला है, स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन सक्सेस। जो तालिब इल्म हैं वो अपनी कामयाबी के खुद ज़िम्मेदार हैं। और एक जगह पे कायद अजम ने स्टूडेंट से ख़िताब करते हुए फरमाया, डेवलपमेंट इज़ बीइंग सॉट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की होनी है, एंड यू हैव टू टेक ऑन दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। और आपने ये तरक्की का हिस्सा बनना है। आर यू प्रिपेयरिंग टू टेक ऑन टमोरोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्या अपने आप को कल की जिम्मेदारियों के लिए आप तैयार कर रहे हैं। आर यू बिल्डिंग योर कैपेसिटी। अब अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं। आर यू ट्रेंड इनफ। तो प्यारे बच्चों, अपने आप को तैयार करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर।